हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जावा की वीडियो है और जावा के अंदर जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, जिसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जावा को इंपोर्ट कराया है, फिर यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है पिरामिड नाम से, ठीक है, और यहाँ पर दो वेरिएबल आई और जे नाम से बनाए हैं, और फिर यहाँ पर चलाया फॉर लूप, फिर इंक्रीमेंट कराया, फिर लूप के अंदर लूप चलाया और फिर हमने प्रिंट कराया है स्टार पैटर्न, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। ये देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको रन करवाएंगे, तो चलिए आइए रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए यहां पर हमें जाना होगा, ये देखिए ये यहां पर आए और यहां से अब हम इसको रन करवा देते हैं। तो ये हमने करवा दिया रन, तो ये देख सकते हैं यहां पर एक पिरामिड पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये पिरामिड पैटर्न बिल्कुल उसी आधार पर, उसी लॉजिक पे बनाया जो कि सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। जो लॉजिक हम लोग पिरामिड पैटर्न बनाने के लिए सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वही लॉजिक हमने यहां पर भी यूज किया है। देख सकते हैं यहां पर पहले मैंने आई की वैल्यू को जीरो रखा है और आई इज लेस देन एन किया है, यानी एन में जो वैल्यू एंटर होगी उससे आई लेस रहेगा, फिर आई प्लस प्लस किया है और फिर इसके अंदर एक और लूप चलाया है, यानी एक रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए, ठीक है। और यहां पर n की वैल्यू क्या रखी हमने, 5, ठीक है, क्या रखी है n की वैल्यू, 5 रखी है, ठीक है। यहां पर क्या किया है, एक रो है और एक कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेस देन इक्वल टू कर दिया है, यानी लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल टू भी रहेगा, ठीक है। और जब इसको आप रन कराएंगे तो आप रिजल्ट देख ही सकते हैं कि यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए एक बार फिर से इसको रन करवाता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ये वही लॉजिक है जिससे हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।